Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय नत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। मोक्ष अर्थात अपनी वासना कामना जो कि अज्ञानता से उठी हुई थी, हमें संसार के बारे में जब यथार्थ रूप में पता नहीं होता तभी संसार संबंधी कामनाएं उठती हैं। कामना उसी की उठती है जिसकी हम महत्ता बढ़ाते हैं। एकाग्र रहना मेरे देवियों, सजनों जरूर कुछ लेके जाइएगा। कामना किसकी उठती है जिसकी हम महत्ता बढ़ाती हैं, और महत्ता किसकी संसारी प्राणी पदार्थों की? क्यों? क्योंकि इसकी असलियत का हमें पता नहीं होता। इसकी असलियत क्या है प्रश्न होता है। इसकी असलियत भगवान जी ने खुद ही बताई है, इसकी रियलिटी, इसकी वास्तविकता अनित्यम असुखम। जितने भी प्राणी पदार्थ है, चाहे आपको देखने में बड़े ही आकर्षित प्रतीत हों, आपको बहुत अच्छे लगती हो, लेकिन है क्या अनित्यम? नित्य रहने वाले थोड़े ही है। हाँ, ये तो थोड़े दिनों के बाद चले जाएंगे। भगवान ने इनकी आयु निश्चित की है, मेरे देवियों, निश्चित आयु के बाद इनको क्या चले जाएंगे। अगर आपने इन अनिश्चित पदार्थों की या अनित्य पदार्थों की कामना कर ली, जिसका रक्षण असुखम दुख, अगर हम अपना कर्तव्य निभाते जाए माँ बाप बहन भाई इन सारों के साथ तो कोई दुख नहीं। अगर हम अटैच हो जाए इनके साथ, संलग्न हो जाए इनसे, फिर आशाएं रखें, फिर उसका प्रतिक्रिया दुख चिंता बेचैनी बेकरारी होती है। और जब हमारे मन में हो कि ये तो जाने वाली चीजें हैं, जाने वाले पदार्थ है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर देना, बस फिर जीव शांत हो जाता, आनंदित हो जाता है, प्रसन्न और गदगद हो जाता, शाबाश। तब क्या होगा जी? जो नाना प्रकार की कामनाएं वासनाएं बढ़ रही थी, अब नहीं बढ़ेगी। अब आपका मन संसार की ओर ललायत नहीं होगा, संसार के प्राणी पदार्थों की ओर न जाकर भगवान की ओर जाएगा, भगवान के हर बोल की कदर करेगा। मेरे कहने का मतलब, आप भगवान की फिर महत्ता बढ़ा देंगे। और मन का ये स्वभाव है, जिसकी महत्ता बढ़ाता है उसी पे लट्टू हो जाता है, फिर उसको प्राप्त करने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा भी किया जाता है, अपनी ओर से जुटता है कि मैं अपने लगूं। ये मैं फिर कहना चाहता हूं, जब भी जब जब कभी हमारे मन ने जिस जिस की महत्ता बढ़ाई उसको लेने के लिए उत्कंठित हुआ, ललायत हुआ, बेचैन और बेकरार हुआ, और फिर भगवान ने वो वस्तु इसको दे भी दी, क्योंकि ये दिन रात लग गया उसके प्राप्त करने के लिए। परमात्मा का ये अटल नियम है, जैसा आप सब जानते हैं, जैसी मांग वैसी पूर्ति, ऐसी डिमांड सो दी सप्लाई। डिमांड जरा बर्निंग होनी चाहिए, बस वस्तु मिली के मिली के मिली। जब हम संसार से अपने मन को उपराम करते हैं ये समझते हुए कि तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली, जाके सब प्राणी पदार्थ चलायमान है, वह फिर जब नई तमन्ना उठेगी, इसको वैराग कहते हैं। एक ही शब्द में कहेंगे वैराग। वैराग मतलब संसार के प्राणी पदार्थों के साथ राग, यानी अटैचमेंट, यानी रगबत, यानी चाहना ना रहना। हमने तो महत्ता बढ़ाई थी, हमने अपनी महत्ता को विड्रॉ कर लिया और रहेंगे संसार में, लेकिन संसार की तमन्ना ना करते हुए। वाह, रहेंगे संसार के अंदर लेकिन संसार की इच्छा ना करते हुए, संसार की लालसा अपने मन में ना उठाते हुए। यही चाहती है मेरी प्रभु, तन काम में मन रहे ध्यान में, यही उपदेश है हमारे सरताज और मन के राजा का, यही उच्च कोटि का आदेश है हमारे अवतारी दाता का। हम रहें संसार के अंदर, ग्रस्त आश्रम के अंदर, अपने कर्तव्य कर्म को निभाते चले, लेकिन इनकी इच्छा रखते हुए नहीं, तब मन हमारा संसार की कामनाओं से खाली होता जाएगा, संसार की इच्छाओं से खाली हो गया,
और खाली अर्थात त्यागता गया। क्या त्यागा? जो अनवांटेड थी, जिनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए थी, अवांछनीय प्राणी पदार्थों को छोड़ता गया। तो मन खाली होकर अंतर्मुखी हो गया। लीजिए, क्या कहने जा रहा हूं, अब आप मुक्त हो जाएंगे। पकड़ो इस भाव को। जब आपका मन संसार में गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्तव्य कर्म करता हुआ किसी प्राणी पदार्थ की लालसा नहीं करता, इच्छा नहीं करता और अपने आप में रहता है, इधर उधर भागता नहीं है, दौड़ता नहीं है, अपने आप में रहता है। अपने आप में रहने का नाम है आत्मस्थित, सेल्फ स्टैंड, यो वर्ल्ड स्टैंड न ठहरा। इस बात को पक्का कर लेना। हर मेरी देवी दिन के कानों में मेरे भगवान की ये अमर ध्वनि जा रही है, जरूर इस बात को दृढ़ कर ले कि संसार की मैंने कामना नहीं करनी। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो अगर आप संसार से, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तंग आ गए हैं, संसारिकता से आपका मन बेजार आ चुका है, तब संसार को अपने अंदर से निकाल दीजिएगा। ये संसार नहीं जो रब ने बनाया है, जो हमने अपनी वासना और कामना से अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है, वो संसार जो हमने अपनी लालसा करके अपने अंदर बेचैनी पैदा कर ली है, केवल वही संसार। जब इससे हम उपराम हो जाते हैं, अब जीव अंतर्मुखी होके दिन प्रतिदिन भगवान की निकटतर निकटतम हो जाएगा, मुक्त हो गया। अब वो जीवात्मा बार बार किसी में भी गिरेगा नहीं, चाहना नहीं करेगा। जब शरीर छोड़ेंगे तो सूक्ष्म शरीर भी साथ ही जाएगा, उसकी कोई कामना जो नहीं रही, उसकी इच्छा नहीं रही। अब आप देखेंगे आपके काफी धंधे कम हो जाएंगे, काफी रस्म रिवाज कम हो जाएंगे, आपकी काफी भागदौड़ बंद हो जाएगी। 14 आने भागदौड़ आपकी बंद हो जाती है जब भगवान के विचारों में रहती है, बहुत थोड़ा आना जाना आपका रह जाता है, और वो भी जो परम आवश्यक हो। बाकी सबसे आप अपने मन को तोड़ लेते हैं। ऐसे जीवों के लिए मेरे परमात्मा ने कहा, एकांत में रहते हुए अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ते रहते हैं, कि फजूल के धंधे, फजूल की इच्छाएं, फजूल का घूमना फिरना, फजूल की बातें घातें सब खत्म। ऐसे को हमारे प्रभु त्यागी कहती है। हमारे मालिक ने ऐसे को त्यागी कहा कि ये त्यागी है, इन्होंने अपने अंदर से खलासत को निकाल दिया, उन प्राणी पदार्थों की इच्छा और ममता को निकाल दिया जो जाने वाले थे, जो दुखदाई थे। अपनी गलती से हमने सुखदाई कहा था, पर सुखदाई थे नहीं, मान लिया गया था, हमारी मान्यता थी ऐसी है, ये हमारी धारणा थी, असल में ये थे नहीं, हमने अपनी धारणा बना ली थी, शाबाश, इसलिए वो धारणा हमने निकाल दी। अब भोजन की धारणा तो निकाल ही सकते, ये तो असल कामना है, जहां भजन सिमरन की नींद निकाल सकते, ये हमारी असल कामना है। आपका नींद को छोड़ दू, ये तो हमारी यथार्थ कामना है, ये नहीं छोड़ सकते। जो सुपर इम्पोज्ड जी डिमांड्स थी, सुपर इम्पोज आरोपित हमारी इच्छाएं थी, जो ऑप्शनल थी, नॉट कंपल्सरी बट ऑप्शनल, अब वो सब के सब रिमूव हो जाती है और मैन बिल्कुल प्रशांत, इसको त्याग कहती है। और ऐसी अवस्था बनाने वाले को त्यागी कहती है। इसके लिए मेरे परमात्मा ने 12वें अध्याय में अभी हमने आहुति दी, तर्के समर से यो फौरन सुकून त्यागात शांति अनंतरम। ऐसे त्याग से फौरन, यानी भगवान का 2 दिन बाद, 2 सप्ताह बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद, फौरन देर एंड देन जीव शांति अनुभव करने लग जाता। जब इस त्याग भावना से आप रहती है मेरी देवियों, तो आप क्या होगा, बस मन शांत होने लग जाएगा उसी समय, क्योंकि मन का बोझ हल्का हो गया। इतनी वासनाएं, इतनी कामनाएं, इतनी इच्छाओं से आप रहत हो गए, कितने संकल्प विकल्प थे आपके मन के, कभी जा रहा है भूतकाल की ओर, कभी भविष्य की ओर धक्के खा रहा है, कभी वर्तमान में कलाबाजियां खा रहा है। अब क्या रहेगा, अपने आप में शांत रहे पुरसकूं, अपने आप में पुरसकूं, अपने आप में शांत, अपने आप में आनंदित करेंगे, कर रही गए, हमें जरूर कामयाब करेंगे, हम अवश्य कामयाब हो गए, चुके हमारी तमन्ना है कि हमने अपना कल्याण करके जाना है, अवश्य में हो जाएगा। इस बात को, इस भावना को बना लो, बना लो मेरी देवी। आज बड़ा पवित्र दिन है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा वाले दिन अपनी कमी को जरूर देखा करो। कामनी बेटियों, भगवान जी के अनमोल शब्दों में इसी को त्याग करते, ये नहीं कहा भगवान ने निकल जाओ, भगवे कोड़े पहनो, सिर मुड़ा लो, मेरी तरह जीटी रोड बनाई फिरो, नहीं, गीता में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया, कहीं भी ऐसा नहीं। भगवान ने ज्यादा पूरा जोर मन पे दिया है, तत्व कृष्ण के सिवा, ओ मेरे स्वजनों देवियों, ऐसा कौन कह सकता है, रहे जैसे चाहे वो जिस, चाहे मेरी तरह जीटी रोड बना के रहे, और चाहे आपकी तरह रहे, चाहे आपकी तरह, भगवान ने छुट्टी दे दी, बिल्कुल छुट्टी, चाहे सिर मुड़ा के रख, चाहे बड़े बड़े लंबे लंबे वाल बना के रख, रहे जैसी चाहे वो जिस, न आए तो ना सके, आवागमन के चक्कर में वो नहीं आएगा है।
ये भगवान के सिवा कहने की जरूरत ही कोई नहीं कर रहे, जैसे चाहे जिस तरह मर्जी उसकी रहे, हाय करे जिस कदर उस पे जो मर्जी जो चाहता करता रहे, हाय। लेकिन मन द्वारा वो आजाद हो गया, मन द्वारा वो छूट गया, बिल्कुल आजाद, बिल्कुल स्वतंत्र। ऐसी गई शानदार, और जो बाहरी रूप में सन्यासी महात्मा कहलाते हैं, हाय भगवान ने एक ही बार कहा, दो चार दस बार कहा होता, क्या जो अशिया से रोके कवाए अमल, प्राणी पदार्थों से तो मन हटा लिया गए, प्राणी पदार्थ बच्चे सुनो बच्चे, माँ बाप से बहन भाई से हर मन हटा लिया, हाँ, और बाहर चला गया किसी मंदिर में धर्मस्थान में किसी आश्रम में चला गया, अशिया से रोके कवाए अमल, अपनी इंद्रियों को बाहर हटा दिया, सूक्ष्म स्थूल शरीर को हटा गया, स्थूल शरीर नगा दिया, बस तुसी मेरे ते मोए ते मैं तुहाडे ते मोया, यूं लड़ झगड़ के चला गया, लेकिन मन से ख्वाहिश न जाए निकल। लेकिन फिर उधर आश्रम में रह के एकांत में रह के फिर पत्नियां ख्याल आ रहा है, फिर अपनी माँ का भी ख्याल आ रहा है, बेचारी लंगड़ी है, क्या उसको कौन कर रहा होगा, पिताजी पर सारी दुकान का बोझ पड़ गया होगा, कैसे बन रहेगा, फिर मुंह तेरा छोड़ छुड़ा के आया, और मन में फिर वही चिंतन करता है, परागंदा दिल है वो मक्कार, भगवान के तुसे मक्कार कहो, तन द्वारा छोड़ गया और मन द्वारा नहीं छोड़ा, मन का चिंतन चलता है, इससे वो अच्छा है तन द्वारा घर में रह रहा है, मन करके छोड़ गया, ये कृष्ण चाहते हैं, इसे त्याग। अब बताओ मैं कैसे और समझाऊं, तन द्वारा छोड़ गया मन करके नहीं छोड़ा, मन तो माँ बाप का पति पत्नी का चिंतन कर रहा है चाहे कहीं भी चला गया है, लेकिन आप जैसे नेक जीवों को तन द्वारा घर के अंदर है मन द्वारा छोड़ गया, आय हाय ये त्याग है, ये त्याग है, ऐसा आपने बन जाना है मेरे सजनों। दूध के जोश में तन तो ले गए लेकिन मन में फिर उन्हीं का चिंतन, उसको भगवान कहते हैं परागंदा दिल है, मक्कार है वो, हिपोक्रेट है वो, बड़ा दम्भी है। भगवान हकारत की नजर से देखती हैं, लेकिन तन आप घर में रखे हुए हो मन करके नहीं उलझे, भगवान आपको बहुत प्यार देते हैं, बहुत ही प्यार देते, बड़ा प्यार देते। आप के लिए 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक कहा है, जो करते गए कायम ये अर्जुन, अपने अपने जीवन द्वारा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा जो मेरे उपदेश को अपनाए हुए हैं, बड़ा गजब का फरमान है, आप तो सोचती नहीं ना, रोटी पानी में रह जाती हो, कभी चाह बनाते कभी भा बनाते, कभी सावन खीर ना खा दिया थे, क्यों जमे वहां परा दिया, ऐसे अपने ढकोसले बना रखे हैं कहावतें, ताकि सावन में खीर तो बन जाए घर के अंदर, खीर तो खाने को मिल जाए, कहावतें भी हमारे गंदे मन ने अपने मुताबिक बना रखी है। अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के विचार करें तो बड़ा गजब का ये फरमान आप लोगों के लिए, करते हैं कायम जम अमृतसर धर्म, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जिनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है और गर्माइश है श्रद्धा की, भगवान की भक्ति की गर्माइश है, हाय, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला, जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य भगवान बन गए, यानी मिशन ऑफ लाइफ ओनली ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, उनका मिशन ऑफ लाइफ क्या है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान जी, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए। कितना आदर दिया है कृष्ण ने, सुपरलेटिव डिग्री लगाई आपके लिए, सुपरलेटिव लगा दी, बड़े तम शब्द है अपनी भाषा में, क्या सुंदर, अच्छा और अच्छा हो सुंदर तर, पर हमें बहुत ही अच्छा लगता है सुंदर तम, सुंदर सुंदर तर सुंदर तम, हाँ कितनी भगवान डिग्री देगा, ते अतीव, मूल शब्द क्या है 12वें अध्याय का, ते अतीव मे प्रिया, दे आर एक्सट्रीमली डियर टू मी, दोज आर एक्सट्रीमली डियर टू मी, हु लिविंग इन दी वर्ल्ड, लिविंग इन दी वर्ल्ड लेकिन इंटायरली आउट ऑफ इट, इंटायरली आउट ऑफ इट, सो दैट माइंड इज कंसर्न, माइंड अनटैंगल ही नहीं है उसके अंदर, ऐसा रब करे, जैसा प्रसंग चलाना चाहते हैं कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को लेकर, आप सबकी अवस्था मेरे भगवान देखे, मेरे प्रभु आपकी आंतरिक अवस्था देखे, ऐसा ही आपसे उम्मीद रख रही है मेरे जगत गुरु जगत उपदेशक भगवान कृष्ण, जो ऐसी उम्मीद रखती है हमारे जैसे, तो कुछ उसको याद करवा देती हैं, थोड़ा थोड़ा आपके भगवान का उपदेश लेकर आपको याद करा दिया, हाँ भगवान का उपदेश तो चंद्रमा की तरह होता है, हमारे जैसे तो जुगनू होते हैं, जुगनू जो काली रात्रि में चमक के थोड़ा बहुत अंधेरा रोशनी दिखा देती हैं, हम तो है जुगनू जुगनू, और भगवान का उपदेश पूर्णिमा का चंद्रमा, हम तो खद्योत समय खद्योत बोलते हैं जुगनू को, ये जुगनू तो थोड़ा आपको लाइट दे देती है, ताकि आपको असल का पता लग जाए कि असल तो ये गए, असलियत तो ये गए,
सोचना आज जाके क्या किसे कहती है, घर में रहे या जहां भी भगवान रखा रहे, मन करके ना रहे, तन करके रहे। जो तन द्वारा गृहस्थी को छोड़ गया और मन द्वारा उनका चिंतन करता है, बड़ा गंदा है, वो अपने को और समाज को धोखा दे रहा है। इसी तरह भगवे कपड़े वाले आज आपको शायद 99% प्रतिशत ऐसे नजर आते जिनके मन में संकल्प होती है, विकल्प दुनिया का, पति का, अपने बच्चों का होता है, मन करके होता है। अभी की रात्रि को भगवे कपड़े वाले आए हुए थे, कोई महात्मा जी कहूं और क्या, मेरे पास शब्द ही कोई, साधु कहूं। सवेरे उनको नाश्ता वाश्ता करवाया गया, जाने लगे नमस्कार करते हुए। अचानक पूछा, कहां जा रहे हो? कहां जा रहा हूं? क्यों? मेरे प्रश्न ने अगर दुख दिया तो मैं माफी मांग। नहीं नहीं, आप तो मेरे गुरुदेव, क्यों माफी, ऐसी बात नहीं। कहां जा रहे? घर में जा रहा हूं, रोपड़। रोपड़ जा रहे हो? क्यों, क्या बात? उसकी शादी भी हुई थी, उसके बच्चे भी थे, फिर सन्यासी बन गए। लो अभी आज की घटना। तो घर में क्यों जा रहे हो? जा रहा हूं घर में, कुछ दिन रह के फिर लौट आऊंगा। तो अगर लौट ही आना तो फिर जाना क्यों है? अगर लौट ही आना तो फिर जाकर रहे हो, और ये तुम कपड़े कैसे पहन रहे हो? बेवकूफ हूं मैं तो, मेरी अकल मारी गई है। घर में जा रहे हो? हाँ, पहले भी हो आया हूं मैं, अब फिर जा रहा हूं। बड़ा गंदा दिल है, मैं कहा उसको तो नहीं कहा, पर आपको कह रहा हूं, बड़ा गंदा दिल है वो मक्कार। अब लोगों की नजरों में क्या, मैंने कहा आपको किस नाम से पुकारूं? मुझे बाहर वाले सारे योगी राज के, मैं बकवास नहीं कर, सच्चाई कह रहा हूं, मुझे योगी राज कहते। योगी राज तो केवल भर्तरी हरि को कहती हैं, आपको योगी राज कहती है और परिवार में जा रही हूं। हाँ, ये है आजकल योगी राज। भगे कपड़े में मलबूस, सिर मुड़ाया हुआ मेरी तरह, और जाकर है रोपड़ रोपड़ रोपड़, रोता रहो कमलिया, हंस पड़ छोड़ के तो रो पड़ जा रहा है। फिर वहां तो फिर दुख ही रहेगा, चिंता ही रहेगी। इसलिए तन द्वारा हम रहे, मन द्वारा ना रहे। मांगो भगवान से ताकत, ओ मेरी भी लाज रखो, इस स्थान की भी लाज रखो, अपनी बाकी जिंदगी की भी लाज रखो, जो मेरे प्रभु 18वां अध्याय चला रही है। देवियों मन करके ना रहो परिवार के अंदर, तन काम में मन रहे। इसका एक शब्द क्या है? त्याग है। जैसे कि उसे सुनाई नहीं देता बेरा, वो बोल नहीं सकता गूंगा, तन काम में मन रहे ध्यान में, मतलब त्यागी 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 त्यागी, उसको मेरे कृष्ण कहेंगे। वो बड़ा त्यागी है कि तन द्वारा तो ग्रस्त आश्रम में खाए, लेकिन मन द्वारा अपने भगवान के साथ है। गीता के सुनने का शौक रखने वालों, गीता के लिए एक विशेष मधुर रुचि रखने वाले देवियों, ऐसी अवस्था बना लो, तब 18वां अध्याय जो आगे सुनोगे बड़ा मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा, हर बात आपके बैठती चली जाएगी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अति नहीं लगता फिर भी लगा जा रहा हूं, क्या ये मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। 18वें अध्याय के माध्यम से हमारे प्रभु अर्जुन का बहाना बना के एक बड़ी जरूरी बात आपके लिए, चूंकि आप कल्याणकामी है, आपकी मानसिक इच्छा ये छिपी पड़ी है कि मैं अपना कल्याण करूं, और हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार जीव का कल्याण कैसे होता है, जीव की बहुबहुदी और बेहतरी किस प्रकार है, ये हमारे प्रभु हमारे सरताज हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बता रहे हैं। कितना अच्छा एक प्रश्न किया, जो कि हर एक इंसान के जीवन में समय समय अनुसार आता ही रहता है, त्याग। कौन ऐसा इंसान है जो त्याग नहीं करता? एक दिन भी तो शरीर नहीं हमारा जिंदा रह सकता अगर त्याग ना किया जाए तो। शुरू से लेकर जब से हमने ये शरीर से लिया और हम संभले गए, तब से लेकर आज तक त्याग ही तो कर रही, और त्याग क्या जाता है? जो चीज अपनी ना हो, हाय, जिस पर अपना अधिकार ना हो उसी को त्यागा जाता है। जिस पे अपन, ध्यान देना, जिस पे अपना अधिकार ना हो वही त्यागा जाता है। जो हमारा स्वभाव है वो तो नहीं त्याग सकते, हम नेकी तो नहीं त्याग सकते, ये तो हमारी मानवता है, ये तो इंसान की इंसानियत है, सच्चाई कैसे त्यागेंगे हैं? दया का भाव कैसे त्यागेंगे? जाप भजन सिमरन चिंतन कैसे त्यागेंगे? ये तो हमारी सेकंड नेचर है, वी कैन नॉट फॉरगिव दैट। हाउ इज इट पॉसिबल? हम इनको छोड़ नहीं सकते, रात की नींद को कभी छोड़ सकते हैं हम? क्या भूख छोड़ सकती है, भोजन छोड़ सकती है, स्नान छोड़ सकती है, अपने वाले का भजन छोड़ सकती है क्या? नहीं, तो छोड़ा क्या जाता है? जो चीज अपनी ना हो
काम क्रोध मोह लोभ अहंकार राग और द्वेष लड़ाई झगड़े फसाद बेचैनी बेकरारी मन की अशांति असुख इत्यादि ये जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां हैं जितनी भी ये नेगेटिव क्वालिटीज है हमने इन्हीं को तो रिनाउंस करना है हाय इन्हीं से तो अपना दामन बचाना है। जब भी छोड़ने की चीज होती है तो समझा करें जो अपनी नहीं है हमें गलती से अपनी मान ली है उसी से हम किनारा करना चाहते हैं। भगवान त्याग उसी का कहते हैं। हाँ और जब त्याग कल्याण की कामना आपके मन में बढ़ जाती है और भी आप एडवांस निकल जाते हैं तब क्या बुद्धि का विकास हो जाता है। सुनियो मेरी कल्याणकामी देवियों हमारी बुद्धि और भी डिवेलप या और भी विकसित हो जाती है। विकसित बुद्धि और सोचती है मैं कुछ लाया था जब मेरा जन्म हुआ था और जब इस जहाने फानी से कूच करूंगा कुछ ले जाऊंगा कदापि नहीं कदापि नहीं कदापि नहीं। तो ये जो घर के अंदर इतना प्राणी पदार्थ दिखाई देती है इतना संग्रह इतना पै फणीरिया हमें दिखाई देता है ये किसका? मेरे भगवान कृष्ण का, मेरे भगवान का, मेरे दयालु कृपालु प्रभु का जो सारी सृष्टि को बना रहे गए सारी सृष्टि को चला रहे गए और सारी सृष्टि का विशेष ध्यान रखते हैं। इज ऑल बिलोंग्स टू दैट काइंड ऑलमाइटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। ओह अब आपका त्याग फैला देवी अब आपका त्याग और भी फैला। पहले त्याग कहां से शुरू हुआ था? गंदी वृत्तियों से। ये गंदी वृत्तियां छोड़ देनी है, मैं ज्यादा सोती हूँ छोड़ देनी है, मेरे में सुस्ती आती है नहीं है सुस्ती आएगी, मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ ये नहीं, मैं चटोरी हूँ ये नहीं होगा, मैं बहुत गप्पे मारती हूँ अपने समय बर्बाद करती हूँ अब ये नहीं होगा। पहले हम जहां से शुरू हुए थे त्याग करना हमारा यहां से शुरू हुआ था, करते 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 और आगे बढ़ गए। जब हमारी बुद्धि का विकास हुआ जैसे हमारे शरीर का विकास होता है तो कपड़े पहले डेढ़ गज लगता था कमीज पर दो गज लगने लगा है पजामा कपड़ा और बढ़ने लगा। हाँ पहले बच्चे को छोटा सा रुमाल देते थे जरा बड़े हुए तो रुमाल बढ़ने लगे हर चीज बढ़ती जाती है। बुनैन पहले छोटे साइज की आती थी अब अंदर की बुनैन सैंडो कट जरा बड़े साइज की आती है। वो जरा बच्चे की बुनैन देखो बालक की बुनैन देखो जरा किशोर अवस्था वाले की बुनैन देखो जरा युवक की बुनैन देखो और शरीर डिवेल्प छाती डिवेल्प हो जाती है जरा उसका साइज देखो। वाह इसी तरह जैसे ही हमारे शरीर का विकास होता है याद रखिए हमारी बुद्धि और मन का भी विकास होता और जिनकी बुद्धि और मन का विकास नहीं होता बहुत जलील होते हैं बड़े खराब होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बातरे पह गए बातरे अर्थात ये झल्ला हो गया पागल हो गया दीवाना बन गया अर्थात इसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। आमतौर पर हम बूढ़ी माताओं को देखती हैं बिल्कुल बच्चा बन जाती हैं तो बुद्धि का विकास नहीं होता उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन मेरे देवी और सज्जनों उम्र के बढ़ने के साथ साथ बुद्धि और मन संकुचित रह जाती है विकसित नहीं होते। पर भगवान की आप पर बड़ी कृपा है मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा है आप पर कि आपकी बुद्धि का विकास भी हो चला है गीता के माध्यम से गीता के उच्च कोटि अद्वितीय एवं लासानी ज्ञान से आपकी बुद्धि का विकास भी हो चला है। अब आप सोचने लग गए जब इंसान ये बात सोचने के लिए बाध्य हो जाता है करना है क्या और ना करना है क्या बुद्धि की डेवलपमेंट बड़ी जल्दी होती है क्योंकि यही तो बुद्धि का एक विशेष विषय है मुझे किस किस काम में हाथ लगाना है और किन किन से अपने हाथ को खींच लेना है। जब ये प्रश्न टेढ़ा खड़ा हुआ लीजिए अब आप अपने अंतःकरण निर्मल किए बिना रह नहीं सकते। निर्मल का मतलब अनवांटेड जितनी अवांछनीय अंदर की वृत्तियां हैं अवांछनीय अंदर के कामनाएं वासनाएं निकलती भागती नजर आएंगी जैसे सूर्य की लालिमा दिखाई देने से उल्लू भागती है चमगादड़ भागती है चोर उचक्के भागती है चूंकि दिन चढ़ता है प्रवाह होने वाली है तो भागेंगे सब। इससे जब ये विचार आते हैं हाँ तो अंदर के जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां अब नहीं ठहर सकती। नकारात्मक वृत्तियां तो अज्ञानता के अंधकार में ठहरती हैं मेरी देवियों। हाँ पर्दा जहालत जब पड़ा होता है तभी ये गंदी वृत्तियां आकर छेड़छाड़ करती हैं। जब भी भगवान की कृपा हुई और पर्दा जहालत जरा भागा दौड़ा और हम असलियत की पहचान करने लगे वाह जब हकीकत की ओर इंसान दौड़ने लगा वाह तब मन में यह गंदमंद नहीं रहता क्योंकि अब दिन रात लग गए पर बहुत थोड़े जीव होंगे कलयुग के अंदर जो यथार्थ या वास्तविकता की पहचान करें और उसके लिए अपने मन में एक विशेष प्रकार का उच्च भाव रखें। त्याग में अंतर क्या है त्याग और संन्यास का प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन ताकि हमें पता लगे हमने क्या त्यागना है। शरीर तो नहीं त्यागना शरीर की ममता त्याग देनी है शरीर तो आपके साथ रहेगा आगे बढ़ो शरीर के साथ कौन है माँ बाप
इनकी ममता त्याग नहीं है, ये तो हमारे दाएं बाएं हाथ बन के रहेंगे, कभी पिताजी दाया हाथ तो मां बाया हाथ, कभी मां दाया हाथ तो पिताजी दाया बाया हाथ। हमें इनकी ममता, इनकी अटैचमेंट त्याग देनी है। भैर भाई तो नहीं था सकती, इज आर ऑल इनसेपरेबल, रादर आई मस्ट स्पीक इट इज इंपॉर्टेंट पार्सल ऑफ अवर बॉडी, विच ही हमारे अभिन्न अंश है, हम इससे जुदा नहीं हो सकते। किसने कहा इसको छोड़ने का? बिल्कुल भी नहीं। आगे अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी का भाव बनाए रखना है, लेकिन ममता छोड़ देनी है। अगर ममता होगी तब गंदी वृत्तियां आएंगी, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, इनको मेरे भगवान जी नरक का द्वार कह रहे हैं और हमें चेतावनी दे रही है, इन्हें छोड़, इनमें ना जाना कहीं, इन्हें छोड़ के बाद कामा लगा दो, इन्हें छोड़ के बाद अर्ध विराम लगाइए, इन्हें छोड़, इनमें ना जाना कहीं, क्यों ना अस्थि को अपनी मिटाना कहीं, कहीं हमारा जीवन बर्बाद ना हो जाए, कहीं हमारा जीवन पर दाग दाग ना लग जाए। हमने बेदाग होकर जाना है, बादाग होकर नहीं, बेदाग होकर के, अर्थात निर्मल विमल होकर जाना है। ये गंदगी लेके नहीं जाना, जाना तो हर एक ने संसार से, ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है, आए और गए, पर मुबारक है वो जीव हाँ जो निर्मल होकर जाते हैं, जो अपने कफन के साथ किसी प्रकार का दाग लेके नहीं जाते। क्या मैं और आप भूल जाएंगे? जा रहा है उस जहां से जब आखिरी वक्त कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरजू ना हो। आप जैसी जीव ऐसी अवस्था बना के जाती है कि अपना कफन, हमारे हिंदुओं के अंदर कफन होता है सफेद, तो हम क्या चाहते हैं अंतःकरण भी सफेद हो, बिल्कुल क्वाइट व्हाइट जस्ट लाइक मिल्क। ये कैसे मुमकिन होगा कि अंतःकरण भी आरजू से खाली हो जाए, कामना तमन्नाओं से, ये आरजू है, ये तमन्ना है, ये इच्छाएं, ये लालसाएं, ये ऐशनाएं अज्ञानता में उत्पन्न होती है मेरे सज्जनों मेरे देवियों। और भगवान के उच्च कोटि के ज्ञान को विशेष करके 18वें अध्याय के ज्ञान को लेकर अज्ञानता कहां रहेगी। कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा गगन पे रात्रि को शोभायमान होगा, तो क्या फिर अंधेरा नजर आएगा? नहीं तो ढूंढे जाने पर भी अंधेरा नजर नहीं आएगा, हमें रात्रि काल की ऐसी नजर आएगी जैसे दिन चला हुआ हो, है जैसे दिन के 10-11 बज गए हो, चार ओर ज्योत्सना छटक रही होगी। इसी प्रकार जैसे अंदर भगवान का ज्ञान आ जाए बस, फिर ये गंदी वृत्तियां नहीं रहती, फिर आप पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाती हैं, पूर्ण रूपेण त्यागी गई जिनका त्याग करना चाहिए था। अच्छी वृत्तियों का मैंने अभी कहा त्याग नहीं होता, जो चीज वांटेड है हमारे लिए अनिवार्य है वो हम नहीं छोड़ सकते, छोड़ते वही है जो कि सुपर इंपोज है, हमने अपने ऊपर ले ली गए, लेनी नहीं थी, अज्ञानता से ले ली है। रात्रि को नींद के बाद हम क्या छोड़ते हैं? जो रात्रि को ले ली थी चादर, सिराना, नीचे के जो है वो आपकी तुलाई, ये छोड़ देती है, ये थोड़ी देर के लिए अपने आराम से सोने के लिए ले थी, लेकिन जब आप घटक हो जाती हैं तो सब छोड़ देती है। इसी तरह जब इंसान घटक हो जाता है ज्ञान के अंदर, जाग उठता है, तो ये गंदी वृत्तियां सब छोड़ देता, सब की सब। फिर संसार में उसका रहना हाय मैं कुर्बान, कैसे रहता है? कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी, जैसे जल के अंदर कमल का पत्ता रहता है मेरे सज्जनों और मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी नेक बेटियों, जल में रहता वो भी नहीं रहता, बिल्कुल अलग थलग, इंटायरली सेपरेट। नजर तो आता है कि तालाब में गए या सरोवर में गए, जलाशय में गए, लेकिन ना होने के बराबर। इस तरह आप दिखाई तो देते हैं कि आप ग्रस्त आश्रम में हैं, लेकिन ना होने के बराबर, ना होने के समान, क्योंकि मन महाराज जी में लगा होता है, मन भगवान की भक्ति में लगा होता है, उसी में रस ले रहा होता है, यही है असली त्याग। कि रह रहे हैं परिवार के अंदर ना रहने के समान, जैसे मैंने कल दृष्टांत दिया था, मेरी बेटियां ग्रोन अप हो जाने के बाद रहती तो हैं मां बाप के बाद, ना रहने के समान, क्योंकि आपको यकीन है कि मैंने इस घर को छोड़ जाना है और किसी और घर में हाँ जाना है, जैसे तुलसी उगती कहीं है और फैलती जाके कहीं है, आमतौर पर तुलसी का मुकद्दर ऐसा होता है, ये लगेगी कहीं और फिर उखेड़ के जमेगी कहीं, फैलेगी कहीं। लड़कियां बिल्कुल तुलसी के पौधे की तरह है, आपको तोड़ लिया जाता है हाँ और ट्रांसप्लांट करके कहीं और दिया जाता है, शाबाश, जिसे इन अदर वर्ड्स ट्रांसप्लांटेशन, यहां से हटके किसी और जगह लगाए गए। आइए ना इस बात को पकड़ ले, यही हमारे उच्च कोटि के भगवान के भक्त अर्जुन ने पूछा था, मेरे हजूर, मेरे सरताज, आए मेरे जीवन के गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, ये संन्यास और त्याग में क्या फर्क है? अभी तो त्याग की बात कीजिएगा, आप रोज ही त्यागती हैं,
रोज ही, मैंने उस दिन भी कहा था, हर रात्रि की नींद हमें आखिरी वक्त याद कराती है कि इस वक्त हम सब कुछ छोड़ छुड़ा करके गहरी नींद में तल्लीन हो गए, सुषुप्ति में चले गए, सुषुप्ति में केवल श्वास चल रही होती है, मन भी तल्लीन जाता है, उसमें कोई सपना नहीं होता, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होता, इतनी गहरी नींद आती है, ख्वाब ख्वाब की दुनिया में नहीं होते हम लोग, क्या होते हैं, बिल्कुल सुषुप्ति में, हमारा मित्र से डीप स्लीप में अपने आप में आराम पा रहे होते हैं। यह जीव को याद कराता है कि वो दिन भी आएगा जब इस संसार के माने हुए सब प्राणी पदार्थों को मुझे त्यागना होगा, ये हमने मान ली है, अपनी तो नहीं, अपनी होती तो अपने साथ लाते, अपनी होती तो कूच करती बार भी इन्हें अपने साथ ले जाते, लेकिन नहीं, जब कूच का नगारा बजता है तब इंसान हाँ सब कुछ छुड़ छुड़ा करके चल देता है, शाबाश, लेकिन आपने निर्मूल होकर जाना, यही तो आपके लिए लाभ है, लाभकारी है भगवान का फरमान। दुनिया वाले भगवान पर विश्वास नहीं करते, भजन पर विश्वास नहीं करते, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करते, बेचैन रहती हैं, उनमें अशांति है, उनके मन के अंदर हलचल मची हुई है, यहीं से अंदाजा लगाइए आखिरी वक्त जब आता है तो बड़ी जोर की हलचल मची, चूंकि वो तैयार नहीं है उस आखिरी इम्तिहान के लिए, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं। ऐसी जीवों की दुर्दशा होती है बेटी, ऐसी जीव ही बहुत हैरान परेशान होकर के अपनी काया का त्याग करते हैं, पर आप तो पहले ही अभ्यास किए हुए हैं, पहले ही आप अपना मन काया से हटाकर भगवान की ओर लगा रहे, अगर काया से ना हटे तो लगेगा कैसे, एक तरफ से मन आते दूसरी तरफ लगे, गॉड, यही तो आप दिन प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं, इसी का तो त्याग हो रहा है, दिन प्रतिदिन घर में रह करके आप त्याग भावना से रह रहेंगे, त्याग भावना से खा रहेंगे, त्याग भावना से पहन रहेंगे, त्याग भावना से शरीर को रखते हुए देहधारी बनते हुए भी इससे अधिकतम लाभ उठाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहेंगे, यही मेरे भगवान कहती हैं, यही मेरे भगवान जी गीता के माध्यम से हमें उच्च कोटि का त्याग का उपदेश दे रही है, त्याग का संदेश दे रही है, कभी कभी बीच में हाँ आग्रह पूर्वक आदेश भी देती है, कमांड कर देती है, नहीं ऐसा मान नहीं होगा, जो आज्ञा प्राणनाथ ऐसा ही होगा, बहुत बार तो भगवान उपदेश देती हैं, मेरे जैसों के द्वारा संदेश दे देती हैं, उसके बाद फिर कभी आदेश, बस जी सरकार अवश्य में जो भी आप कह रही हैं, नॉट टू रिजर्व वाई बट टू डू एंड ड्राई, इस तरह जीव त्यागी बन जाता है, किसका त्याग, अनवांटे प्राणी पदार्थों का त्याग। एक बाप ने दो महल बनाए, एक जैसे बनाए मेरी देवी और सजनों, और अपने दोनों ही राजकुमारों को सौंप दिए, एक राजकुमार की बुद्धि को भगवान जाने क्या हो गया, वो उसने सारी सारे महल को जो चार मंजिला थी साफ करवाता, और दूर उसने बना रखी थी रूढ़ी, वहां सारा गंद गिरा देता, हाँ और सवेरे के वक्त सब कुर्सियां मेजी अपने गंद के पास लगा देता, हाय। और दूसरा राजकुमार जो बड़ा था, बड़ा ही सियाना था, बड़ा भी था और बुद्धि में भी बड़ा था, और वो सारा गंद ऊपर नहीं रखता था, जमीन पे गढ़े बनाए हुए थे उसी में फेंकवा देता था, ऊपर से ढक्कन लगा दिया बंद ताकि बाहर उसकी दुर्गंधी फैले नहीं, और अपने महलों में रहता, और जितने उससे भले काम हो सकते महल में रहता और कार्य करता। अब एक सियाना ने कहा, इन दोनों में त्यागी कौन है, छोटा भाई या बड़ा भाई? अब कहा गया छोटा भाई त्यागी है, कैसे, जो गंद के महल को छोड़े हुए गए और गंद के जो महल का गंद है उसके पास कुर्सियां लगाता है, उसके पास सारा दिन काटता है और बदबू को लेता रहता है, यानी दुर्गंधी को लेता है, बड़ा भाई बड़ा होशियार है, महल का सारा गंद उसने बाहर निकाल दिया है और महल में आराम से रहता है, इस तरह आप जैसे बड़े ही दाना है आपको त्यागी नहीं कह सकते, आपने अंदर का अनवांटेड अवांछनीय प्राणी पदार्थ निकाल दिए हैं, गंदी वृत्तियां निकाल दी हैं, पर फेंक दिया है, और आप क्या बड़े आराम से किसके नेकी में, भजन में, सिमरन में, दान में, पूजा में, पाठ में, इन गुड क्वालिटीज में रहती है, और दुनिया वाले बुद्धू है जो चीज त्यागी है उस गंध के पास रहते, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, निंदा में, मत्सर में, इनमें रहती है। इसी अवस्था पे कहा गया, जिसे रात कहती है दुनिया तमाम, निगाहों में आरफ की दिन है मदाम, जो दिन अहले आलम के नजदीक है, हाँ वो आरफ की शब की तारीख। बिल्कुल उल्टी बातें जो हो गई, संसारी आदमी गंदगी के पास रहती हैं, और भगवान के प्यारे गंदगी निकाल करके अपने आप में तलीन हो जाती हैं, रहे उनका दिल रूह से मुतमयन, उसी फर्द को कायम लगिन,
वो कायमल टिके बुद्धि वाले है, मेरी बेटी वो स्थित प्रज्ञ है, बड़े होशियार है आप, आपने गन निकाला है, सफाई में रह रहे हैं, दुनिया वाले वाले गंध के पास रहती हैं, असल को छोड़ दिया, आपने साफ सुथरे मन को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया और गंदगी के पास रहती हैं। वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी मिस्टीरियस। तो त्यागी कौन जो गंदी वृत्तियों को छोड़कर यथार्थता की पहचान करता हुआ तलीन हो रहा है। जैसे भगवान ने सतारवें अध्याय में कहा था, हकीकत यही है, हकीकत सत, सदाकत यही है, सदाकत सत, कि दुनिया में जो भी भला काम है सुनर्जन के उसका भी सत्ता। संसार की हकीकत यथार्थता वास्तविकता या रियलिटी को पहचानते हुए अपने मन को उसके साथ टच कर देना, ये त्याग है, छोड़ देना उन गंदी वृत्तियों को। शाबाश, दुनिया वाले सारी जिंदगी इन्हीं गंदी वृत्तियों में गलतार होते हुए मर जाएंगे, आप शरीर के रहते हुए गंदी वृत्ति से दामन बचा रहेंगे और गुड क्वालिटीज के साथ अपना मन लगाए जा रहे हैं, अब गुड क्वालिटी के साथ अपने आप को जुटाए जा रहे हैं। ये आपको संग आपको छूटा, संग सत्संग आपको मिला, गंदी मंदी बातें बस हुजूर की आपकी छूटी और भगवान का उच्च कोटिया ज्ञान आपको मिला, सिनेमा छूटे, क्लब में छूटी, बाजार में बिना मतलब के घूमना फिरना और चक्कर काटना छूटा और एक जगह टिकना सीखा, एक हाथ में रहने लग गए आप, हाय ये असलियत की पहचान होने लगी, अब ये साबित होने लगा, हजूमे खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर, दिस इज रियलिटी। ये आपको पता लगा कि आपस में करती है पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल, वो अपना मन भगवान की बातों से मसरूर करती है और उसी में प्रसन्न रहती है, गदगद होकर रहती है, अपने आप को कदम ब कदम आगे निकाल करके अपने भगवान की जात में तलीन होने के पूरे पूरे पुरुषार्थ करती है, प्रयास करती है, अपलॉडेबल एंड अप्रिशिएबल। यह है असली त्याग। दुनिया वाले जबरदस्ती त्याग के जाते हैं, उस समय आखिरी वक्त उनका कोई वश नहीं चलता, आप अपनी खुशी से ही मानसिक रूप में त्यागते जा रहे हैं, सब कुछ तो मेरे भगवान कितने दाना है वो, अरे कितनी दानाएं वो मेरी माता है, मेरी बेटियां, जो शरीर के रहते हुए मानसिक रूप में रिनाउंसिंग 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 त्यागते जा रहे हैं, काल के थप्पड़ खा के नहीं त्यागेंगे, अपने अंग अंग से जान निकलवा के नहीं त्यागेंगे। क्या आप पहले ही तैयार है? आपको बेटी कितनी अच्छी लगती है जो इम्तिहान से पहले तैयारी कर रही है, आपके अपना बेटा कितना अच्छा लगता है जो आप हलवे बना बना खिलाती हो, हलवे बादाम डाल डाल के खिलाती हो, पिस्ते डाल खिलाती हो, मेरी बच्ची का दिमाग बहुत खर्च हो रहा है, बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, कितना प्यारा लगता है वो भगवान को, वो जीव कितने प्यारे लगते होंगे, क्या जो भगवान के अनुसार रहना सीख रही है, भगवान के अनुसार जाने की भी साथ साथ तैयारी कर रही है, बाखुशी जीना और बाखुशी क्या इस संसार को छोड़ने की तैयारी भी करना। गीता दो तैयारी करवा रही, मैंने कई बार कहा है, जीने की कला और मरने की कला, किसने सीखनी हो तो गीता से सीखे, बहुत आला ढंग से भगवान कृष्ण समझा और बता रहे हैं, ओम मेरे सज्जनों, ओम मेरी देवियों, ये दो कलाएं तो भगवान से आके सीख ले, जब तक शरीर है बाखुशी कैसे जिया जाए, इट्स वेरी गुड ऑल्ट, और अगर भगवान का बिगड़ बच जाए तो बाखुशी कैसे इस शरीर को छोड़ दिया जाए, जैसे बदलता है इंसान लिबास कोहन, नया जामा करता है फिर जेबे तन, अपने शरीर को कितना सुंदर बनाता है, पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े को पहन लेता है, इससे जो तैयारी कर रहा है, जैसे बाथरूम में हम जाते हैं, हाँ रात्रि कपड़े को छोड़ करके स्नान करते हुए हम अपने धुले कपड़े पहनती हैं, इससे जो तैयारी करता है कि शरीर को मैंने छोड़ दे रहा है, सुनर और लेटर आई विल हैव टू लीव दिस कॉइल, बड़े दनाक है वो जो इसकी तैयारी में लग गई है, बहुत ही विचित्र और विलक्षण इंसान, बहुत हैरान है परेशान है भगवान से विमुख होकर। आज की नारी बहुत ही हैरान है, पता नहीं जिंदा कैसी है, भगवान जाने आज की नारी रात को सुती सो क्यों नहीं जाती, सवेरे उठना भी नहीं चाहिए, चिंता बेचैनी बेकरारी, कैसे आपके दिन करते हैं, खुशी से थोड़ा करते हैं, धक्का स्टार्ट है आपके दिन, ऑटो स्टार्ट नहीं है, क्यों? सुनेगा न मेरी जो, भगवान जी ने गीता जी में कहा तबाही में जाएगा पिंडदार से, ऐसे जीव अपने लिए तबाही के सवाब पैदा कर देते हैं, जो इस दुनिया बनाने वाले दयालु कृपालु प्रभु के अनुसार अपनी बुद्धि अपना मन अपने तन के डेली एक्टिविटीज में नहीं लगाते, जो मन में आया कर गुजरे, ऐसे इंसान बड़े तबाह होती है, वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है और हयात उसकी दुनिया में बेकार है, अपनी हयात को दाग लगा लेती है, अपने जीवन को ऐसे दाग लगाती है जो भोगना पड़ता है ऐसे जीवों को।
आइए विचार करें। आओ मेरी कल्याण कामनी देवियों और गहराई में उतर जाओ। आप तो कल्याण करके रहना चाहती हैं और कल्याण करके इस संसार से जाना चाहती हैं और ऐसे जाना चाहती हैं लौट के नहीं आना चाहती। आप फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। आप इस चक्कर से अपने आप को सदा के लिए छुड़ा देना चाहती हैं। कैसे? जैसे दुनिया बनाने वाला समझा रहा है, जिसने सृष्टि बनाई है और जो सृष्टि का पालन कर रहा है और जिसने सृष्टि में अटल नियम बनाए हैं, उन नियमों को जानकारी करके हम अपने अंतःकरण में बसाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे को त्यागी बोलते हैं। कौन? समझाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं, जिसका मन सेवाए भगवान के कहीं भी नहीं लगा हुआ, केवल महाराज जी में जिसका मन लगा हुआ है और अपने फराइज भी पूरे कर रहा है, जो भी उसके कर्तव्य कर्म है उसमें भी वो लगी हुई है, कर्तव्य कर्मों में भी लगी हुई है, मन भी किसी कहीं गलतान नहीं है, मन के अंदर बेचैनी बेकरारी भी नहीं है। हाँ, उसी को त्यागी बोलती है। वही तारकुल दुनिया है, तारकुल दुनिया है, तारकुल दुनिया। हाँ हाँ, वो त्यागी है जो इस प्रकार रह रहा है, निश्चिंता पूर्वक रह रहा है, कहीं भी उसका मन उलझा हुआ नहीं। अरे भगवती, कहीं भी उसका मन फंसा हुआ नहीं है। सीखो सीखो, अपने भगवान से सीखो सीखो सीखो, अपनी गीता से सीखो सीखो सीखो, अपने भगवान के उच्च कोटि अनुपम ज्ञान से सीखो सीखो सीखो, प्रातः काल उठ के जाप कर करके सीखो सीखो सीखो, अंतर्मुखी होके सीखो सीखो सीखो, भगवान के इस फरमान को बार बार पढ़ के सीखो। है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। है एक एक बोल भगवान का कितना रोमांचकारी है। अगर योग वो यू कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब अपने अभ्यास में इस जरब मिसल को या इस लोकोक्ति को चेतार्थ कर दिखाओ कि जो इंसान अभ्यास करता है उससे होशियार हो जाता है। मश्क इंसान को कामिल बनाती है। आप मानते हैं अभ्यास से इंसान सिद्धस्थ हो जाता है। कोई भी अभ्यास लगातार किया जाए उससे इंसान परफेक्ट हो जाता है। आओ, जो गुजर गई वो तो लौट से आने से रही, वो तो लौटेगी नहीं। पास्ट टाइम कैन नेवर बी रिकॉल्ड। आप रिकॉल गुजरे हुए समय को रिकॉल नहीं कर सकते। गया सो गया, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, वो तो गया सो गया। लेकिन जो रह गया है वो तो अपने भगवान के अनुसार लगाने की चेष्टा करें। ये शौक पैदा कर लो, कर लिया तो बहुत अच्छे। अरे कर लिया तो बहुत अच्छे। जो समय रह गया, जो आयु रह गई, जो मेरे जीवन की अवधि रह गई है, उसको तो पूर्ण रूप में भगवान की ओर समर्पित कर दूं। शाबाश, पूर्ण रूप में लगा रहा हूं, इंटेलेक्चुअली मेंटली फिजिकली एज वेल। मैं अपने महाराज जी की ओर मनसा वाचा कर्मणा एक होकर के मैं अपने प्रभु को समर्पित कर दूं। वी रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ अलाइनमेंट टू से, जो भी हमारा अवशेष जीवन रह गया मेरे सज्जनों, ऐसा पक्का इरादा कर लीजिएगा और भी दृढ़ निश्चय कीजिए कि चाहे मेरी आयु बाकी एक दिन है या सौ दिन है, मैंने अपने भगवान के अर्पण कर देनी है। क्या मतलब? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अभिप्राय क्या है? कि जो मेरे प्रभु ने अपने श्रीमुख से गीता के माध्यम से उच्च कोटि का ज्ञान दिया है, हाँ, उसको मैंने अपना लेना है। अब मैंने जीना है तो भगवान के अनुसार जीना है। मेरे भगवान मेरे इतने निकट है, जिन्होंने आपके लिए इतनी मेहरबानी की, यूं कहते हुए दरू और बरू दम में आता हूं मैं तो चारों गिजाएं पचाता हूं मैं। किसका खुदा इस तरह कहेगा? किसका परमात्मा इतना नीचे उतर के कहेगा दरू और बरू दम में आता हूं मैं और चारों गिजाएं पचाता हूं मैं? वाह, सोनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। ऐसा कौन परमात्मा होगा जो इतने नजदीक आपके बोले आपको कि ये जो दम की आराकशी है ये किसके कारण से गए? कौन आपके इससे जड़ शरीर को चलाता है? किसकी शक्ति से ये सारा काम हो रहा है? वो कौन जिसके निकल जाने के बाद शरीर मुर्दा हो जाता है, उठा लिया जाता है और शमशान में सार दिया जाता है? वो कौन जिसके रहने से हम लख के गए और जिसके निकल जाने से हम कख के हैं? हीरो आर जीरो। जब भगवान की शक्ति है यू आर ऑल हीरो। जब भगवान अपनी दिव्य शक्ति को निकाल लेते वी आर ऑल जीरो। और जीरो को नहीं रखता, उठा लिया जाते गए। आहा, गली गली खप मच गई और आखिर में क्या गया? मां नहीं गई, साथ बाप नहीं गया, बहन नहीं गई, भाई नहीं गई। कबीर ताना मारता है। अरे कबीर ताना मार रहा है मेरे सजनों,
क्या पति भी साथ नहीं गए जो इतना प्यार करती थी, पति भी जो इतनी जान कुर्बान करते थे वो भी साथ नहीं गए क्या? अंत चली एक सूखी लकड़िया, अंत चली एक सूखी लकड़िया, आखिर में कुछ सूखी लकड़ियां साथ गई, केवल सूखी लकड़ियां गई। हाँ, और तो कुछ भी नहीं गया। ऐसी यथार्थता को जानने वाले परमात्मा को कभी नहीं भूला करते, वो उस असलियत को याद रखते हैं कि सारी सृष्टि की असलियत परमात्मा है, मेरे मालिक की इस सारे संसार की असलियत है वही असल। और यही गीता जी के अंदर बारंबार कहा गया है, क्या सनर्जन नहीं कुछ भी। सारे शास्त्रों में जहां तक मुझे पढ़ने का भगवान ने शुभ अवसर दिया, यही सार निकाला है, परवाया सब कुछ मेरे तार में, एक हीरे हो जैसे किसी हार में। उधर आप देखते हैं ग्रंथ साहब के अंदर बाहर ही चमक रहे ये शब्द, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, वो ओंकार एक ही है सारी सृष्टि में। पता कहां से लगा? सतगुरु कभी अर्थ लिखा, सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से ये बात मुझे पता लगी कि एक ओंकार प्रसाद। कहते सजनों, कृपा ड्यू टू दी ऑलमाइटी ऑफ ग्रे, ड्यू टू द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मुझे ये पता लगा। प्रसाद कहते बेटे कृपा, सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से। अगर पहले ना पता लगा हो तो गुरु ग्रंथ साहब के ये महामंत्र के अर्थ मेरे से सीख लो, कि सतगुरु देव जी की कृपा से मुझे ये पता लग गया कि सारे संसार का चालक संचालक एक ही है। भगवान ने तो इसको बड़ा विस्तार किया। उधर देखिए निकाली बाइबल, जरा पढ़ो और प्रणाम कीजिए, गॉड इज वन, वो परमात्मा एक ही है। अनुभवी महापुरुषों ने तो सार निकाल दिया। अब जरूरत है समझने की और जरूरत है उसे अमली जामा पहनाने की या अपने अंदर ले आने की। अपने अंदर करें, नायक और मूर्ख जो अपनाते नहीं वही धर्म के नाम पर लड़ाइयां झगड़े फसाद जैसे पंजाब में आप देख रहे हैं या बाकी प्रांतों में आप देख रहे हैं, जो नहीं अपनाने वाले। अपनाने वाले जितने भी चोटी के धर्म हैं, हाँ उनके अपनाने वालों का फरमा नहीं की, जैसे मैंने कहा अभी, जैसे भगवान जी ने कहा है वासुदेवा सर्वविधि, ये सब कुछ भगवान से ही है और भगवान ही इनका चला रहे। जैसे मैंने बाइबल की बात बताई, जैसे ग्रंथ साहब की बात बताई, हाँ इसे धम्मपद अगर आप उसका ले लें बुद्ध मत का, वही फरमान आप लेंगे। इधर जरा आइए, पाकिस्तान से भी दो मेरे होनहारा बैठेंगे, वालेकुम सलाम। अब मैं इनके ही फरमान को लूं, चूंकि इन्हीं के लाहौर का हूं, तो क्या जब कुछ हम पढ़ते थे विचार करते थे तो पहले इनका आता है, शायद इन्होंने विचार किया हो या ना किया हो, हम तो कर करके प्रेम की अशुभ आती है। ओ मेरे अल्लाह मियां के प्यारो, क्या वो अनुभव करने वाला वो क्या कह गया मोहम्मद रसूलुल्लाह, इल्लाह ला इल्लाह, ये इन्हें अपने समझती हैं कि ये हमारा जिसे हम महामंत्र बोलती हैं, ये कहती है हमारा कलमा है, अर्थात जिसको हम कहते हैं हमारा महामंत्र है। अब इसी के ये अर्थ लगाऊं, ये अरबी के शब्द हैं, ला इलाह इल्लाह, अल्लाह ही गए, इल्लाह अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं, वही वासुदेवा सर्वविति, सुनर्जन नहीं कुछ भी, नहाए मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, ला इलाह इल्लाह। ये रास की बात किसने बताई? मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो मोहम्मद भगवान का प्यामर बनके, भगवान का संदेश वाहक बन के आया, वो ये राज की बात समझा गया कि परमात्मा की जात। अपनाने वाले तो आपस में प्यार करेंगे और तरक्कियां करेंगे, जिन्होंने नहीं अपनाना वो लड़ाइयां झगड़े फसाद धर्म के नाम पर आपस में नाइतफाकी नाचाकी पैदा करेंगे। वरना अपनाने वाला का तो मत एक होता है, सौ से आनो इको मत मूर्ख अपो अपने, नलायक जो नरक बना रहे हैं अपने लिए यहां और वहां, वो ये नाइतफाके नाचाके पैदा करती हैं। और जिन्होंने यथार्थ रूप में अपना कुछ बना के जाना है, ओए होए होए होए, वो तो यथार्थ बात बता के जीव को राह पे लगा देते हैं। एक शहर दे होम दे राह बोते, ये अनुभवियों का फरमान है, एक शहर दे होम दे राह बोते, इसी तरह ही राह करतार होंदे, रस्ते में लड़ते रहनो दिला बेड़े उन्होंने कदी ना पार होंगे। जो रस्ते के लिए लड़ाइयां करते, ये रास्ता अच्छा है शहर को जाने के लिए, नहीं नहीं तो नालायक है वो रास्ता, आ रहा है तू बकवास करता है, जो वो रास्ता शहर को जाता है, जो इस रास्ते के लिए लड़ाइयां करती हैं बेड़े उन्हां दे कदी ना पार, एक शहर दे होंदे राह बोते, इसी तरह ही राह करतार होंदे, रस्ते वास्ते लड़ते रहनो दिला बेड़े उन्हां दे कदी ना पार होंदे।
राह के लिए लड़ाई करते हैं बुद्धू आदमी। आयु गुजरती जा रही है, अरे कोई भी राह हो, अरे लो और भाग चलो और नगर में पहुंचो, कोई भी राह हो अपनाओ और भगवान की जात में तलीन होकर अपना कल्याण कर जाओ, क्योंकि जिंदगी के दिन बहुत लिमिटेड है, वेरी वेरी लिमिटेड। ओ मेरी भगवती, त्याग इससे पेशतर के जबरदस्ती त्यागे, क्यों ना पहले ही त्याग दें, डंडे मार मार के आपके हाथों पर इन पपोटों को तोड़ दिया जाए, तब आप मुट्ठी खोलेंगे और हीरा जो आपके अंदर है तो वो देंगे। पहले कोई मानता दे दो, ले लो, कितना सियाना है वो मेरी बेटी कितनी सियानी है, हीरा मैंने लेना, मेरा है ही नहीं, है ही तेरा, ले ले, है ये क्या, मार मार के डंडे काल हमारी जान निकाले, हमारे निचले अंग से, फिर जांघों में, फिर नाभि तक, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर गले तक, और घंटे बजते, घंटा दो घंटे घंटे बजते रहेगी, फिर गर्दन यूं होगी, लख लानत ऐसी मौत को, एक एक अंग से जान निकली और फिर यहां आकर रुक गए, शंटिंग करते रहे, कितनी दना है वो जो पहले ही तैयार है, कितनी दना बेटियां वो जिन्होंने पहले ही तैयारी कर, कहीं भी अटैच नहीं है, दे आर नॉट अनटैंगल्ड एनीवेयर, अपने आप को तैयार रखते गए, अपने आप को बनाए रखते गए, बनाना क्या है, इससे बढ़ के दृष्टांत जो भगवान जी ने दिया कौन दे सकेगा, सुकेड़े जो हर शय से अपनी खबर, जैसे कछुआ अपने आप को जब भी उसके भयभीत होता है तो सजनूर देवी चारों ओर से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, अपने अंगों को, चार उसके पैर नीचे होते हैं, अग्निस्तरी होती है, नर्व, ये दोनों ही उसके डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, तो उन सारों को अपने अंदर ले लेगा, हाय उसको हम दना कहती हैं, आपके फुटबॉल हॉकी के फुटबॉल की तरह ऊपर गोल मटोल बन के रह जाता है, इस तरह इंसान गोल मटोल बन के रह जाता है, सब वासना कामना को खींच लेता है, अपने आप को निकाल लेता है, कौन जिन्होंने अपना जन्म सफल करके जाना है, जिन देवनियों खा पी करके और चार पांच बच्चे पैदा करके नहीं मरना, कुछ आकबत बनानी है, हाय आकबत, कुछ अपना परलोक बना जाना है, वो बहुत नेक होते हैं, मुसाफर शब से उठते गए जो जाना दूर होता है, उन दिनों बसें तो नहीं थी, उन दिनों ये और गाड़ियां भी नहीं चलती थी, उन दिनों पैदल यात्रा होती थी, तो जिन्होंने दूर जाना होता था आधी रात को ही उठ बैठते थे, एक बजे उठ बैठा, जल्दी जल्दी तैयार हो गया, एक आध परौंठा खा लिया, तीन चार परौंठे साथ रख लिए, और कोई हमें टिफिन कैरियर थोड़े होते थे, वो मैं बताऊं उन दिनों टिफिन कैरियर क्या था, एक लंबा सा कपड़ा, चार पांच परौंठे आलू थे उसमें बंधे और बांध के लगाई ये गांठ, ए था टिफिन कैरियर, और चल मैं खुदा की कसम खाऊंगा, मैं सच्चाई से बात बता रहा हूं, आ टिफिन कैरियर रख के, तो हाथ रख के कभी एक कभी इधर रख लिया, कभी इधर रख लिया, खाना पड़ा वैसा, जहां देखी कोई नदी आ गई तो किनारे बैठ के और खा लिया, और अपना सफर सूरज निकलने जल्दी गिरफ हो जाती है, जिन्हें अपनी बिजली बना लेनी होती है, क्या नहीं कोई भरोसा नहीं, आपने सुना नहीं है क्या, गाहक और मौत का कोई भरोसा नहीं, गाहक कब टपके कोई पता नहीं, और मौत कब लॉन्ग जंप ले ले नोबडी कैन से अश्योरली, क्या कहेगा कोई, कोई पता नहीं कब, इसलिए भगवान जी कहती हैं सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान है, वो महाराज जिसे फरामोश नहीं होते, वो अपने भगवान को सदा ही और याद करने योग्य, और क्या है हम याद किसको करें, अरे किसको याद, आपको बड़ा दिल करता है श्रीमान जी क्या मुझे याद करती हैं, वाह अरे क्या पूछती है अपने श्रीमान से, क्या मरने वाली परी को याद करे, ए बटरफ्लाई तुझे याद करे, तू तो जाने वाली है, जा रही है, या तुम बहुत इससे पूछो तुम जो याद करती है, अरे किसको याद करेगी, जो पानी में पड़े हुए पतासे की तरह डिजॉल्व होता जा रहा है उसको याद करे, मीरा वरेगी सांवरिया महरा चूरिया अमर हो जाए, धन आदमी तो भगवान को याद करती है जो अजर है अमर है अविनाशी है, समझी ए मेरे सजनों, समझे, आहा कितनी अच्छी दलील पातशाही देती है, आप हमेशा याद रखना क्या 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 क्या, हाय उस वस्तु को मैं क्या करूं जो जम्मे ते मर जाए, ये मीरा ने कहा था, उस पति को मैं क्या करूं जो जम्मे ते मर जाए, मीरा मरेगी सावरिया मरा चूड़िया अमर हो जाए, हाय याद वो करना चाहिए जो जिससे चूड़िया अमर हो जाए, पातशाही ने जरा साधारण शब्दों द्वारा छोटी बुद्धि रखने वालों को भी कह दिया, हाय ताकि ये बात हमेशा के लिए समा जाए हमारी बुद्धि के अंदर, हमेशा के लिए चली जाए,
एक को सिमरियो नानका जो जल थल रियो समाये, दूजा काहे सिमरियो जो जम्मे ती। ये ग्रंथ साहब के अनमोल बोल है। अगर कोई होने हार कदर करे तो उस वस्तु का मैं सिमरन क्या करूं जो जिंदगी और मौत के बिटवीन डेथ एंड बिटवीन लाइफ हो, उसको याद क्या करे। याद मैंने उसको करना है जो था है और सदा रहेगा। वर्तमान में हाँ, अपने भूतकाल में और भविष्य में, जमाना हाल माजी और मुस्तकबिल में जो रहता गए, याद करने योग्य तो वही परमात्मा है। बस जिसने इस राज को जाना त्यागी हो गया। क्या नाम रूपों को छोड़ देगा और नाम रूप के साथ संबंध जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां हैं उनका भी त्याग कर देगा। ये अर्जुन ने कितना शानदार प्रश्न करके 18वें अध्याय को स्टार्ट करवाया चाहती है भगवान से। कितना अच्छा प्रश्न है। ऋषि के फरमाइए आप जरा, ऋषिकेश फरमाएंगे। बड़ा विस्तार से रन थ्रू गाड़ी है, 18वें अध्याय में गाड़ी रन थ्रू है, बीच में कहीं नहीं रुकती, कहां जा रुकेगी, ओ आखिर में जाकर जब भगवान कहेंगे सब कंटे छोड़ और ले मेरी। ये रन थ्रू गाड़ी है, चलाई चली इस स्टेशन से गए। ऋषिकेश फरमाइए अब जरा है संन्यास और त्याग में फर्क क्या, कभी दास के शीक कातल मुझे असूल के क्या है बता दीजिए। ओ मेरे कृष्ण, ये संन्यास और त्याग में क्या नियम है और किस तरह जीवन को अपना के अपने लोक पर लोक बना जाता है। बस स्टार्ट करने की देर थी कि कार ने स्पीड पकड़ ली। आजकल इंजन डीजल के गए, स्टार्ट करते ही और स्पीड पकड़ी जाती है। वो हमारे वक्त जो कोले के इंजन खत्म हो गए। भगवान का ये बस अर्जुन का ये प्रश्न करना था कि स्पीड पकड़ी गई और भगवान उच्च कोटि का ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए बैकग्राउंड बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। होशियार बच्चे पहले ही रात्रि को पढ़ के जाते थे जो मास्टर जी ने सवेरे पढ़ाना होता है, क्योंकि वो तो 40 मिनट का पीरियड होता था, फटाफट पढ़ाते थे। अगर हम लोग पहले पढ़ के जाते थे हम बड़ी जल्दी समझ लेते थे, मास्टर ये कह रहे ये कह रहे, और वो कणखियां झांकते थे बाकी की, मास्टर जी की कहते पहन तेरा सिर सारते पहन, यार बता नहीं इन्होंने की कहा, इसमें से माइनस करके प्लस कर दिया और प्लस करके माइनस के, ये अगर माइनस करके प्लस करना था प्लस करके फिर माइनस का किया, बता लिया समझ दे, फिर तुझे समझाएंगे बाद में समझाएंगे, अभी समझो लड़के जगह मार के कुनिया कुनिया हमारे ये पास से ही दर्द कर मारते थे, यार बताना बताना चुप तक पढ़ समझ दिया। अगर पहले तैयारी थोड़ी जल्दी समझ आती है, इसी मैंने कुछ दिन बैकग्राउंड बढ़ाया ताकि भगवान जो आगे चोटी का ज्ञान देंगे हमें समझ आ जाएगा कि हमने ये सुना है, हमने ये पहले समझ लिया है, तो वो बात जो समझी हो सुनी हो वो फिर घर करती चली जाती है, वो अंदर बैठती चली जाती है। चूंकि हमने पहले बना ली सड़क बनी हो तो हमारा जो साइकिल है या स्कूटर है वो भोंक के जाती है, सड़क ना बनी हो तो फिर टबड़ खबड़ टबड़ खबड़ टबड़ खबड़। इसलिए मैं आपका बैकग्राउंड बना रहा हूँ ताकि भगवान की चोटी का उपदेश आप बड़ी जल्दी समझ के अपनाते चले जाए, उस वक्त आपके शंकाएं उत्पन्न ना होने पाए। भगवान करे ऐसा ही हो, प्रभु करे हम इस चोटी के फरमान को अब समझेंगे, अब भगवान जी गुलफिशा होंगे। श्री भगवान वाच अब होगा, अब वो कहते हैं कि अर्जुन मैं पहले तुझे ये बतलाऊं क्या इसके बारे में उच्च कोटि के ऋषियों महर्षियों देव ऋषियों ने अपने अपने मत दिए गए, पहले मैं उनके मत बताऊं। ऐसा बताऊं क्यों? फिर भगवान कहते मेरा निश्चित मत सुन ले। ऐसा क्यों कहा? पहले ऋषियों ऋषियों देव ऋषियों राज ऋषियों ब्रह्म ऋषियों के मत क्यों दिए? बताऊंगा आपको। उसके बाद कहा अब मैं अपना निश्चित समय लगाया निश्चित, मैं अपना निश्चित मत बता दो जिसको जानकर क्या तू हमेशा के लिए अपना कल्याण कर जाएगा। इसलिए ये अध्याय मोक्ष प्रदाता है, जीव को आवागमन से छुट्टी दिलाता है, जीव को शांति दिला करके इस राह पे हमारी स्पीड तेज कर देता है। कई शंका भी अगर हो उनका बड़ी जल्दी समाधान हो जाता है। मेरे सज्जनों मेरी कल्याणकारिणी देवियों, 18वें अध्याय के लिए उत्सुकता बनाए रखिएगा, एकाग्रता बनाए रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं अंत मति सो गति, ताकि हमारी मति इसी अनुसार बन जाए जैसे भगवान जी कह रही है, धर्मे मति अस्तु कृष्णे रति अस्तु। कृष्ण में भी हमारी मन जो है खुशी लेता रहे और हमारी मति बुद्धि भगवान की इस चोटी के उपदेश में लगी रहे, ताकि इसी के अनुसार गूढ़े रंग में रंग के अपना जीना सीख ले। और वक्त तो आना है तो बड़ी खुशी से शरीर को छोड़ के भगवान की जात में तलीन हो जाए, उनके लिए कोई गम नहीं।
जिन्हें भगवान जी के अनुसार अपना परलोक बना लिया है, कितनी खुशी से जाती हैं और कार्ड छपाती हैं, गृह प्रवेश गृह प्रवेश गृह प्रवेश, आना आना आना, हम जो ना फलानी कलोनी के अंदर नया मकान बनाया 3 मंजिला, पुराने मकान को हम बेच रहे हैं छोड़ रही हैं, गृह प्रवेश होगा, कितनों को बुलाती हैं। इस तरह भगवान के प्यारे जिन्होंने सही अभ्यास कर लिया है, हाँ बड़े खुश होते हैं क्योंकि नया प्रवेश हो रहा है, अपने पुराने प्रवेश से हट रहे हैं। क्या नया प्रवेश, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब भरू कब पाऊ पूरन परमानंद, उस पूर्ण जात में तरीन हुआ चाहती है। करो तैयारी मेरे साथ, बाखुशी जीने की भी तैयारी करो, और वक्त आ जाए तो बाखुशी इस शरीर के रूपी चोले को छोड़ने की भी तैयारी करे। आहा, गीता के कृष्ण का उपदेश यहीं से शुरू होता है, सिताए न दाना को रंजो आलम, मरे का न सोग और न जीते का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।